ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 18। हा सुरभिः कृष्णम् अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसंतानरूपा मंत्र गोपरूपिणमीश्वरान्। कृष्ण कृष्ण महायोगीन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युता। तो जब भगवान कृष्ण ब्रज की रक्षा के लिए गायों गोपों और स्त्रियों की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण किए और इस प्रकार इंद्र का अभिमान चूर्ण हो गया और वे इंद्र के पास यानी वे भगवान कृष्ण के पास आए क्षमा मांगने के लिए, और भगवान इंद्र ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगा, बहुत गिड़गिड़ाए, उनके चरणों में गिरे। तब इसके बाद जो गोलोक से सुरभि आई थी गाय कामधेनु, तो उस कामधेनु ने भगवान कृष्ण से कहना प्रारंभ किया। सुरभि रुवाचा, वो अपने संतानों के साथ आई थी, स्वसंतान ही उपामंत्र, अपने संतानों के साथ आई थी, अन्य कामधेनु आदि सब आए थे। तो गोप रूपधारी परम ईश्वर भगवान कृष्ण से सुरभि कहने लगी, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे अचिंत योग माया की शक्ति, योग माया के स्वामी, हे भगवान, हे विश्व के आत्मा, हे विश्व को उत्पन्न करने वाले, आपके द्वारा हम अनाथ हुई। इंद्र तो हमें बुरी तरह से मारना चाहा, खत्म करना चाहा, लेकिन आपने हमको बचा लिया, मतलब गायों को बचा लिया। इंद्र ने बहुत भयानक वर्षा की थी गायों का नाश करने के लिए और ब्रजवासी गोपों का नाश करने के लिए, लेकिन हे प्रभो, भवता लोकनाथ है ना, आप समस्त लोकों के जीवों के रक्षक हैं, नाथ हैं, हम अनाथ थे, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, इंद्र हमें मार रहा था बुरी तरह से, लेकिन आपने हमें सनाथ कर लिया, हमें बचा लिया, आप ही हमारे परम देवता हैं, तुम न परमकम दैवम, आप ही हमारे इष्ट देव हैं और आप ही हमारे इंद्र हैं। वास्तव में इंद्र का जो पद है वो गौओं की रक्षा के लिए दिया गया है भगवान के द्वारा, लेकिन इंद्र गौओं की रक्षा करने के बदले और उन्हें मार रहे थे वर्षा के द्वारा, आंधी के द्वारा और ओला वर्षा के द्वारा, वज्रपात के द्वारा। तो हमारे तो इंद्र आप ही हैं, हम आपको इंद्र मानते हैं, हे जगत की रक्षा करने वाले, भवाय भव गो विप्र देवानाम ये च साधव। गायों के ब्राह्मणों के और देवताओं के विकास के लिए आप होइए, हम सबको समृद्ध कीजिए और जो साधु जन है उन सबका विकास कीजिए, जो सज्जन है रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कह दिया कि माता जी सुरभि माता गाय को कि हम तो इंद्र नहीं हैं, इंद्र तो दूसरे हैं। तब सुरभि गाय कहती है, इंद्रम नस्त्वाभिषिच्यामो,
हम आपका अभिषेक करेंगे, यहां राज तिलक करेंगे कि आप इंद्र हैं, यह कसाई इंद्र नहीं है। इस तरह से कह रही है गाय, हम आपको इंद्र पद पर अभिषेक करेंगे। इंद्रम नष्टाभिषेच्यम, हमको ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्मणा नोदिता प्रेरिता, ब्रह्मा जी के द्वारा हम प्रेरित हैं, हमको ब्रह्मा जी ने कहा है कि श्री कृष्ण को ही इंद्र के पद पर अभिषिक्त करना है, तो ब्रह्मा जी की आज्ञा समाई है, इसलिए हमारे प्रस्ताव को आप ठुकराइए मत, हम आपका अभिषेक करेंगे। अवतीर्णों से भगवत विश्वात्मन भूमि भारा प्रणित, हे विश्व के अंतर्जामी सबके हृदय में बसने वाले, हे प्रभो आप पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए अवतार लिए हैं, मैं इस बात को जानती हूं, तो हम आपका अभिषेक करेंगे। अभिषेक की सारी तैयारी करके आए हैं, गोलोक से समस्त वस्तुएं लेकर आए हैं अभिषेक के लिए। श्री शुकवाच, तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं कृष्णमुपामंत्र्य सुरभिः पयसात्मनः जलयनाकाश गंगा या ऐरावत परोद्धृतैः इन्द्रः सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिंचत दासार्हं गोविन्द इति चाभ्यधात। जब सुरभि ने इस प्रकार से कहा कि सबसे पहले श्रृंगार हुआ, अभिषेक हुआ भगवान का गोविंद कुंड पर, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा जो गोवर्धन की परिक्रमा में गए हैं गोविंद कुंड को, वहीं पर सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया, कई तरह से पहले पूजा किया भगवान कृष्ण का और अपने दूध से अभिषेक किया है। भगवान कृष्ण आसन पर बैठे तो सुरभि गाय ने दूध दिया, उस दूध से अभिषेक हुआ, अथवा उस स्वर्गीय गाय है आकाश में भी खड़ा हो सकती है, तो उसने डायरेक्ट भगवान कृष्ण पर अपना दूध अपने थन से गिराया, उससे अभिषेक हुआ। और तब इंद्र ने भी अभिषेक किया, भगवान इंद्र वहां आए थे तो वो भी अभिषेक किए। आकाश गंगा का जल ऐरावत के सूंड से डाला जा रहा है, ऐरावत हाथी आया था स्वर्ग से, वह अपने सूंड में भरा लेकर के गिरा रहा था, अभिषेक ऐसे कर रहा था। आकाश गंगा का जल, गंगा जी की धारा तीन जगह बहती है मुख्य रूप से, पाताल में और स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर गंगा जी हिमालय से निकलती हैं और गंगा सागर तक धरती पर बहती ही विलीन हो जाती सागर में, लेकिन स्वर्ग में गंगा जी की धारा है और एक पाताल में है। पाताल में जो धारा है गंगा जी उसको भोगवती कहते हैं, और स्वर्ग में जो धारा है उसको अलकनंदा या मंदाकिनी कहते हैं, और यहां पर भागीरथी कहते हैं। तीनों का नाम गंगा है, भगवान के चरण से तीनों धारा गई है। तो आकाश गंगा के जल को ऐरावत हाथी अपने सूंड में लेकर के और अभिषेक कराया। इंद्र सुरर्षि भी साकम नोदितो ब्रह्म देव मात्र भी, इंद्र भी देवर्षियों के साथ स्वर्ग में जो ऋषि जन है उनके साथ भगवान का अभिषेक करने लगे। इंद्र को प्रेरित किया देवताओं की माता जी ने, सबसे पहले माता अदिति ने कहा कि बेटा तुम अभिषेक करो भगवान का। देव मात्र भी नोदितो इंद्र, देव माता अदिति आदि ने इंद्र को प्रेरित किया तुम अभिषेक करो, तो वे अभ्यसिंचत उन्होंने अभिषेक किया। दासार्हम गोपपति या जादवपति भगवान कृष्ण का अभ्यसिंचत अभिषेक किया, और सबके बीच में अभिषेक करने के बाद
इंद्र ने नाम दिया श्री कृष्ण को, आज से इनका नाम हुआ गोविंद, जबकि वास्तव में गोविंद नाम इंद्र का है पहले से, लेकिन वो कहे कि नहीं वास्तविक गोविंद यही है, गायों की रक्षा करने वाले, गायों से प्रेम करने वाले, गायों का पालन करने वाले वास्तव में भगवान कृष्ण हैं, इसलिए इनका नाम होगा गोविंद। गोविंद गायों से स्नेह करने वाला। जिस समय ये उत्सव चल रहा था, अभिषेक हो रहा था, वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे, गीत गाया जा रहा था, उस समय वहां उपस्थित हो गए अभिषेक में नारद जी, तुम्बरु और अनेक गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण, जगुर जसह लोकमलाप हम हरे, भगवान के जस को ये लोग गाने लगे। भगवान का जस जस कैसा है, लोकमलाप हम, जो समस्त लोगों के पाप को नष्ट कर देता है। भगवान के बारे में गाया हुआ गीत सुनने से और उसे पीछे से गाने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। भगवान का जस है लोकमलाप हम। तत्रागतस्तुम्बुरु नारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण जगुर जसो लोकमलाप हम हरे सुरांगना सन्नन तुर्मुदामृतः। वहां कुछ समय उस महोत्सव में तुम्बरु और श्री नारद आदि श्रेष्ठ गायक आए, श्रेष्ठ भक्तजन आए, गंधर्वगण, विद्याधर, सिद्ध, चारण और जगुह, जगुह का अर्थ गाने लगे उत्सव से, जसह भगवान की कीर्ति गाने लगे, हरि की कीर्ति गाने लगे, जो कीर्ति जो जस दुनिया का पाप दूर करने वाला था। भगवान का कीर्तन समस्त पाप को समाप्त कर देता है, शुभ का विस्तार करता है। गंधर्व आदि सब गा रहे थे और सुरांगना देवताओं की स्त्रियां सम नन्नृत बहुत अच्छी प्रकार से नाच रही थी उस उत्सव में। श्री कृष्ण का उत्सव हुआ, अभिषेक हुआ और इसमें गाने वाले, नाचने वाले, स्तुति करने वाले सब स्वर्ग से आए थे। यह अद्भुत बात है, जो लोग भगवान कृष्ण को ईश्वर नहीं स्वीकार करते हैं उनको ये सब प्रसंग पढ़ना चाहिए। जब भगवान का उत्सव हो रहा था, अभिषेक हो रहा था, तो सब देवता आए, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण और भगवान का जस गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं। तम तुष्ट गुरुदेव निकाय के तव व्यवाकिरंश्चाद्भुत पुष्प वृष्टि भी लोका पराम निर्वृतिमाप्न वंस्तयो गावस्तदा गामनयन पयोद्रुतां। देव निकाय केतव, देवताओं के समाज में जो सबसे महान देवता हैं, कहा है देव निकाय केतव, जैसे भगवान शिव, ब्रह्मा जी, ये सब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये सब भी वहां आकर के भगवान का जस गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे और कुछ देवता विमानों पर चढ़ चढ़ करके अद्भुत पुष्प वृष्टि कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे भगवान पर और उत्सव चल रहा था। इस उत्सव को देख करके और जब भगवान का गोविंदाभिषेक हुआ तो सारे लोग पराम निर्वृतिम आपनुवन, परम सुख पाए, परम आनंद छा गया तीनों लोकों में, त्रयो लोका है। यह पूरा ब्रह्मांड तीन खंड में माना जाता है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधालोक, यह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। ऊपर स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर और पाताल में भी अनेक जीव भरे पड़े हैं, तो सबको परम सुख मिला, पराम निर्वृत्ति आपनमन, परम आनंद प्राप्त हुआ और गायों को इतना सुख हुआ, इतना सुख हुआ कि उनके थन से अपने आप दूध चलने लगा। गावस तदा गाम अनयन पर दुर्गा, गौएं तो गाम मैंने पृथ्वी को पयोद्रुतान दूध से सिक्त कर दी, जहां भी गौएं थी वहां दूध से धरती बिल्कुल सिक्त हो गई।
आज के युग में गौओं को लोग खिलाते नहीं हैं, प्यार नहीं करते हैं, तो गौओं के पास दूध कम रहता है, तो बछड़े से को पिलाने पर भी जल्दी दूध नहीं निकालती है। और इन गायों को देखिए कि गौएं पृथ्वी को पयोद्रुतान कर दी, दूध से सिक्त कर दी, दूध चूने लगा। नाना रसौघा सरितो वृक्षायासन मधुसवा, और सरिताएं अनेक प्रकार के रसों को लेकर बहने लगी। नदियों में शुद्ध जल तो बह ही रहा था, किसी किसी नदी में गन्ना का जूस बहने लगा, मधु बहने लगा। नाना रसौघा, अनेक प्रकार, किसी में दूध बह रहा है, किसी में दही बह रहा है, घी बह रहा है, किसी में गन्ना का जूस बह रहा है। नदियों में नाना रस बहने लगे और मधु बह रहा था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर्ग में कई ऐसे सिंधु हैं, समुद्र हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। हम लोगों के इस पृथ्वी पर समुद्र है, उसमें केवल नमकीन पानी है, लेकिन स्वर्गीय लोकों में ऐसे ऐसे सरोवर हैं या नदियां हैं जिनमें मीठा जल रहता है, समुद्र में भी मीठा जल रहता है। पंचम स्कंध में सब वर्णन है। तो भगवान का जब अभिषेक हुआ तो सरिताएं, नदियां विभिन्न रसों से भर गई, और वृक्षा आसन मधुश्रवा, और वृक्षों से मधु चूने लगा, मधु चुलाने लगे। अकृष्ट पच्यो सधयो, और फसल भगवान का अभिषेक होने पर जमीन में बिना खेती किए सभी फसलें होने लगी। औषधि का अर्थ है गेहूं, चना, धान। हम इधर देखते हैं कि खेती करने की जरूरत पड़ती है, खेत जोतना पड़ता है, सींचना पड़ता है, तब कुछ फसल होती है। पर भगवान कृष्ण का अभिषेक होने पर यह भूमि अपने आप पैदा देने लगी। और कृष्ण का अर्थ, कृष्ण मैंने जोतना, बिना जोते ही पच औषधय, औषधियां पकने लगी, अर्थात बहुत फसल होने लगे। गिरयो अवृद्धन उन्मरण, और पर्वत गण उज्जवल मणि को धारण करने लगे, बाहर सब मणि आ गए और चमकने लगे पर्वतों पर। जो मणि जैसे सोना या हीरा खान में रहते हैं, पर्वत के अंदर या धरती के अंदर रहते हैं, वे सब बाहर आकर के चमकने लगे। सोना, माणिक्य अर्थात हीरा, सब चमकने लगे। कृष्णे भिषिक्त एतानि सत्वानि कुरु नंदनाम, हे कुरु नंदन, हे कुरु वंश को आनंद देने वाले परीक्षित, कृष्ण के अभिषेक किए जाने पर जितने भी सत्वानि वाणी हैं, ये सभी निर्भय रानी अभवन तात कुरणपि निसर्गतः। इस संसार में कुछ जीव हैं जिनमें निसर्ग से ही बैर रहता है, स्वाभाविक ही एक दूसरे को खा जाते हैं या लड़ते हैं देखकर। जैसे बाघ अगर गाय को देखे या हरिण को देखे और उसे भूख लगी हो तो उसे खा जाएगा। सांप का स्वभाव है डसने लगता है। कुत्तों का स्वभाव होता है वो अपनी ही जाति के लोगों को भौंकने लगते हैं। मनुष्यों का स्वभाव होता है वे एक दूसरे मनुष्यों से घृणा करते हैं, देखा गया है। लेकिन भगवान का जब अभिषेक हुआ, गोविंदा से उत्सव हुआ, तो जितने जीव थे सब निर्वैराणी अभवन, निर्वैर हो गए। जिनमें निसर्ग से ही, जन्म से ही वैर रहता है, वे सब वैर छोड़ दिए। ये भगवान के भजन का प्रभाव होता है। कभी कभी लोग वैष्णवों से, भक्तों से पूछते हैं कि आप लोग ये केवल हरे कृष्ण करते हैं और दुनिया के लिए कुछ करते हैं क्या, समाज के लिए कुछ करते हैं? समाज के लिए यही बहुत बड़ा हित है
कि कुछ लोग कीर्तन गावे। यहां भगवान का कीर्तन गाया गया, जस गाया गया, अभिषेक हुआ, तो और सब निर्वैर हो गए। जो जन्म से ही क्रूर होते हैं, पुराणी अपि निसर्गत, स्वभाव से ही, जन्म से ही जो एक दूसरे के बैरी होते हैं, वे सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल में गए थे तो उनके कीर्तन को सुन करके परस्पर बैर रखने वाले जीव परस्पर प्रेम करने लगे। बाघ हरिण को चूम रहा था, चाटी चाट रहा था, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा गया। बाघ और हरिण एक साथ हाथ उठा करके हरी बोल करने लगे और गले से लगा रहा था बाघ और सिंह। मयूर सांप को ऐसे चूम रहा था, जो सांप को देखते ही खा जाता है मयूर, वो सांप से प्यार करने लगा। और हाथी और सिंह एक साथ हरे कृष्णा 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 हरे राम कर रहे थे। हाथी और सिंह प्रेम से वो सूंड ऊंचा करके, हाथ ऊंचा करके और भगवान का नाम बोल रहे थे। भगवान के नाम में शक्ति है, लोगों में प्रेम करा देता है। और ये तो मान लीजिए 500 वर्ष पहले की बात है, और ये 5000 वर्ष पहले, चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले हुए थे और भगवान श्री कृष्ण 5000-2-300 वर्ष पहले ये हुआ था। इसको कोई न माने तो हम लोग तो देखें अपने जीवन में, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद दुनिया के सभी लोगों को एक मंच पर नचाते थे, रसिया के लोग और अमेरिका के एक साथ, जिनमें नैसर्गिक बैर है ना, आप लोगों ने सुना होगा, एक दूसरे से बहुत बैर है। और जर्मनी और इंग्लैंड के लोगों को, मतलब यूरोप के लोगों को और इंग्लैंड के, यूके के लोगों को एक मंच पर नचा रहे, दुनिया के सारे जगह के भक्त एक साथ भगवान का कीर्तन गाते थे। ये तो प्रभुपाद जी ने कर दिया। बाघ है और सिंह में, सिंह और हाथी में जितना बैर रहता है, और जीवों में जैसे सर्प में और मयूर में जो बैर रहता है, उससे भी ज्यादा बैर इन लोगों में रहता है। अभी भी है और लोगों में जो भक्त नहीं है, वो चाहते हैं उन पर बम पटक दिया जाए, वो खत्म हो जाए, वो चाहते हैं उसको मारा जाए, उसको मारा जाए। आतंकवादी जहां तहां लोगों को मार रहे हैं बम भिड़ा करके, बम लगा करके, लेकिन प्रभुपाद जी सब जगह के लोगों को एक मंच पर नचाए और एक दूसरे से प्रेम किए। किस धरातल पर? कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस, हम भगवान कृष्ण के दास हैं। वे देश का भेद भूल गए, जाति का भेद भूल गए, धनी गरीब का भेद भूल गए और एक साथ नाचते हैं। ये हम लोगों ने आंखों से देखा है और आज भी कोई देखना चाहे तो देख सकता है, वृंदावन में और मायापुर में देख सकता है कि दुनिया के सब लोग एक साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई वैर विरोध नहीं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो भगवान का जब अभिषेक हुआ, उत्सव हुआ, तो सभी जीव जिनमें नैसर्गिक वैर है, नैसर्गिक क्रूर है, लेकिन वे भी अपनी क्रूरता, अपना वैर छोड़ करके और कीर्तन गा रहे थे, भगवान के उत्सव में नाच रहे थे। कृष्णे अभिषिक्त ये तानी सत्वा ने कुरुनंदन निर्वय रांडा भवन स्थापक पुराण के निशार गए। श्री सुखदेव गोस्वामी ये बातें कह रहे हैं, भगवान के उत्सव का ये प्रभाव पड़ा। इति गो गो कुलपतिम गोविंदम अभिषिच्य सह अनुज्ञातो जयो शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्। इस प्रकार गायों और गोकुल के पति, पति माने पालन करने वाला होता है, पाति इति पति, जो पालन करे उसको पति कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गायों के और समस्त गोकुल के पति हैं, रक्षक हैं। इंद्र ने इनका गोविंदाभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद भगवान से छुट्टी मांगे कि अब मैं जा रहा हूं, कृपा करके अनुज्ञा दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप जाइए वहां अपने स्थिति में रह करके मेरा भजन कीजिए,
और अपने अधिकार से बाहर चेष्टा मत कीजिए, अपने अधिकार में रहिए, अपने काम में और ड्यूटी में। तो इंद्र समस्त देवताओं के साथ, गंधर्वों के साथ, चारण सिद्धादि के साथ भगवान से आज्ञा मांग करके चले गए दिवम स्वर्ग में, अपने लोक में चले गए। इस प्रकार इंद्र के द्वारा भगवान से माफी मांगा जाना यह अध्याय पूरा हुआ। तो यहां एक संदेश अपने आप मिल रहा है कि जब कीर्तन करने से, भगवान का जस गाने से, भगवान की पूजा करने से नैसर्गिक वैर रखने वाले जीव भी निर्वैर हो गए, तो यही करना चाहिए। आप जहां भी जाएं वहां भगवान का नाम बोलते रहिए। कुछ चाहें तो माला पर जप कर सकते हैं, या बिना माला के भी नाम बोलना चाहिए, मृदंग पर, ढोलक पर, करताल पर भगवान का जस गाया जाए। पहले भी हमने देखा है कि जब गांव में किसी रामायण होता था तो लोगों में इतना भेदभाव नहीं रहता था। आज के लोग अब टीवी देखते हैं तो टीवी में यही दिखाया जाता है कि क्या झगड़ा हो रहा है इससे उससे, रोज यही दिखाया जाता है। इसमें भगवान का चरित्र दिखाया जाए तो सब ठीक होगा, लेकिन लोग देखते नहीं और रामायण नहीं गाते हैं, रामायण नहीं पढ़ते हैं, या कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत पतन होता जा रहा है। यहां सुखदेव गोस्वामी संदेश दे रहे हैं, जब भगवान का कीर्तन होने लगा और उनकी पूजा हो रही थी, स्तुति हो रही थी, परस्पर नाच गान हो रहा था, तो सभी जीव निर्वैर हो गए, दूसरे से प्रेम कर रहे थे। ये उत्सव का प्रभाव था, भगवान के अभिषेक का प्रभाव था। इसलिए भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक का अर्थ है उनको नहलाना, दूध से, दही से, मधु से, और साथ में कीर्तन गाना, तो कीर्तन के साथ डांस करना, नृत्य करना। कोई जरूरी नहीं है कि अब नाचने के लिए जा करके किसी म्यूजिक कॉलेज में सीख करके आइए कि ऐसे नाचा जाएगा। इस्कॉन में एक स्वामी डांस प्रसिद्ध है। स्वामी माने भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो कहे कि जिसको नहीं भी नाचना आता होगा, हाथ ऊपर करके और दाहिने पैर को बाएं, बाएं पैर को दाहिने, ऐसे ऐसे करे, यही है स्वामी डांस। और कीर्तन जब जमे तो वो और उछलना चालू करे, स्वामी डांस। तो इस तरह से इस संसार में सुख मिलता है सभी प्राणियों को, सबको सुख मिलता है, सबको प्रसन्नता मिलती है। तो यह है उपकार संसार का। जो लोग इस कीर्तन का प्रचार करते हैं, कथा करते हैं, कथा का प्रचार करते हैं, सुनते हैं, आयोजन करते हैं, तो वे संसार का हित कर रहे हैं। हमसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, आप लोग विरक्त हो गए तो ये समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा कि मैं ये कथा कहता हूं समाज के लिए ही ना, ये कोई मैं जंगल में बाघ भालू को केवल सुनाता हूं, ये कथा करता हूं कहीं समाज में ही जाकर, ना ये समाज का हित है ना। कोई कोई लोग समाज में ऐसे हैं जो केवल पढ़ाते हैं, जैसे शिक्षक हैं, तो उनसे आप जाकर के कहिए ठीक है विद्यार्थियों को तो पढ़ाते हैं लेकिन और समाज के लिए क्या करते हैं? पढ़ाना एक काम है ना, वो पढ़ा रहे हैं और उनको सरकार वेतन देती है, पढ़ाते हैं दो चार घंटा बोल देते हैं उनको वेतन देती है, हम लोगों को तो एक पैसा नहीं देती है। लेती तो नहीं है लेकिन सरकार के द्वारा कोई वेतन नहीं है। ठीक है स्वामी जी कथा कह रहे हैं तो आप भाई भाड़ा ले लीजिए या फ्री रिजर्वेशन मिले, आप जाइए घूमिए, नहीं एक पैसा भी नहीं साधुओं को। और लोगों को सरकारी आदमी है उनको देती है, एक दृष्टि से मान लो जो उपकारी है समाज का काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपकारी तो साधु लोग हैं,
जो भगवान की कीर्ति का प्रसार करते हैं और इसे संसार में सुख छाता है, सुख शांति होती है। तो यह संदेश है, भगवान की भक्ति से ही व्यक्ति सुखी होगा और सारी दुनिया सुखी होगी और परस्पर वैर भाव मिटेगा, सबसे प्रेम बढ़ेगा, इसमें जाति भेद धर्म भेद ये सब नहीं रहेगा। हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी जीव हैं और भगवान कृष्ण के अंश हैं, उनके पुत्र हैं और वे हमारे पिता हैं। इस धरातल पर हम लोग भाई भाई हैं। कभी कभी लोग लिखते हैं कि हम लोग भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ठीक है, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बहुत अच्छा है हम लोग भाई भाई हैं। तो भाई कब हैं? जब एक बाप होगा तब ना। एक बाप हमर होगा तब ना हम भाई भाई हैं। तो बाप का पता ही नहीं है। कृष्ण को अपना पिता मानने पर तो वास्तव में हम भाई भाई हैं। और कोई माने या न माने, कृष्ण सबके बाप हैं। भगवद गीता में कहते हैं सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तिया तासां ब्रह्म महत् जोनिर अहम बीज प्रदोपिता। जितने भी जीव हैं 84 लाख जोनियों में, उनकी मां है प्रकृति और मैं हूं बीज प्रदोपिता। भगवान स्पष्ट बोलते हैं अहम बीज प्रदोपिता, सबके पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। न माने तो उस पागल को क्या कहा जाए। और कुछ बेटा तो ऐसे पागल हैं, कहते हैं हम बाप मानते हैं लेकिन हमारा बाप निराकार है, उसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लूला है, लंगड़ा है, क्या है, या भूत है। तुम मानते क्या हो? यहां पर किसी कोई फार्म भरे सरकार के पास, उसमें लिखना पड़े बाप का नाम, तो लिख दे बाप, तुम्हारे पिता का नाम, कोई नाम नहीं, निराकार। एड्रेस सब जगह, मेरा बाप सब जगह है, उसका रूप कोई फोटो तो खिंचाया है? नहीं नहीं, तो कोई रूप नहीं है। तो वो फार्म भर करके क्या वो पा सकता है नौकरी? सरकार कहेगी पागल है, इसको निकालो हटाओ, कहाँ का है पता ही नहीं चल रहा है। बिना पिता के पुत्र का परिचय नहीं होता है। और भाई तो निश्चित ही पिता के आधार पर होते हैं ना। यदि कोई चार भाई है तो इसका मतलब उसके पिता एक हैं। तो पिता अपने अपने मन से मान रहे हैं, जैसे हमारा पिता ये है, कोई कहता हमारा पिता निराकार है, हमारा पिता कुछ पता ही नहीं है, ये नहीं, नाम नहीं है, रूप नहीं है। लेकिन वास्तव में भगवान गीता में जब बोलते हैं मैं पिता हूं, तो भगवान का रूप है, सांवला सलोना रूप है, अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, उनकी बहुत सुंदर अलके हैं, केश हैं, सबके पिता हैं, बूढ़ों के भी, ब्रह्मा के भी, लेकिन उनके केश बिल्कुल काले हैं कृष्ण के। कितने मर गए उनके बेटे जी जी करके, लेकिन वो जेह कहते हैं किशोर अवस्था के। ऐसे प्रभु का, भगवान कृष्ण का जब भजन होता है तो सभी जीवों में वैर विरोध समाप्त हो जाता है। यह देखा गया है सारी दुनिया में कि काम कर केवल इस बेसिस पर, कृष्ण प्रभु हैं, कृष्ण स्वामी हैं, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण माता हैं, और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण का सम्मान करना चाहिए, कृष्ण का यश गाना चाहिए। सभी कुछ लोग गा रहे थे भगवान का जस भोजपुरी भाषा में, इसे सब लोग नहीं समझ रहे थे, बाहर से आए हुए अमेरिका से या भारत के महाराष्ट्र गुजरात आदि से आए हुए लोग नहीं समझ रहे थे। इन बीच बीच में नाम आ रहा था गोवर्धन पर्वत का, कन्हैया, तो लोग धैर्य रख रहे, ठीक है भगवान का भजन ही हो रहा है, नाम कन्हैया आ रहा है और सब आ रहा है। यह है भगवान का जस गाना। तो भगवान का जस गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, यही संदेश है। हम लोग तो यहां
छह दिन से भगवान की कीर्ति गा रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार, जिसमें जितनी क्षमता है, गाने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, श्लोक पढ़ने की, भागवत पढ़ने की शक्ति है, तो उतना करे। शुद्ध गोस्वामी कहें जैसे आकाश में सभी पक्षी उड़ते हैं, या आकाश तो अनंत है, वैसे ही भगवान का जस अनंत है। अब अपनी शक्ति के अनुसार जितना उड़े उतना उड़ना चाहिए। गरुड़ जी भी आकाश में उड़ते हैं, जो एक बार पंख मारने से करोड़ों योजन जा सकते हैं। हमने सुना है ना कि मंदराचल पर्वत को उठा लिए अपने चोट से, अपनी पीठ पर ये भगवान रख दिए, और देवताओं को, दैत्यों को ले करके, और भगवान को भी, पर्वत को भी ये उड़ करके समुद्र के पास पहुंचा दिए। जिस पर्वत से दैत्य लोग दब करके कितने मर गए थे, देवता भी मर गए थे, पर्वत गिर गया, ले जा रहे थे समुद्र मथने के लिए, कोई कहा नहीं कि मैं थक गया हूं, अब रखिए रखिए, अपनी हीनता सिद्ध नहीं करना चाहते। ठीक है अभी चलोगे ना, हाँ चल चलिए चलिए, हम थक और कह देते कि मैं थक गया तो अपनी बेइज्जती समझ जाए, हाँ चलो चलो साबस साबस, लेकिन शक्ति तो पस्त हो गई, गिर गया पर्वत, कितने लोगों के हाथ पैर टूट गए, कितने मर गए। फिर भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट होकर के अपनी कृपा दृष्टि से देवताओं को और दैत्यों सबको जीवित कर दिए, कहे चलो कोई बात नहीं फिर समुद्र मथने के लिए। लेकिन उनका साहस टूट चुका था, तब भगवान ने कहा कि सब लोग गरुड़ पर चढ़ो। गरुड़ जी पंख को नीचा कर दिए बिल्कुल, उस पर सब देवता चढ़े, दैत्य चढ़े, भगवान ने उस पर्वत को ही गरुड़ जी पर रख दिया, खुद चढ़े, और गरुड़ जी पंख मारे, उड़ करके जा करके उतार रहे। ये कथा है भागवत में। तो गरुड़ जी भी आकाश में उड़ते हैं, बड़े बड़े राजहंस भी उड़ते हैं, बड़े बड़े उड़ान भरने वाले पक्षी उड़ते हैं, और मच्छर भी उड़ता है। मच्छर कितना उड़ता होगा, बहुत बेचारा कम उड़ता होगा। जो पहाड़ पर रहते हैं वहीं के हैं, नीचे से नहीं गए होंगे, है ना, वही उत्पन्न होते होंगे, लेकिन फिर भी वो भी उड़ते हैं। गौरैया आदि पक्षी भी उड़ते हैं अपनी उड़ान भर पर, उड़ते हैं। इसी तरह से मनुष्य का कर्तव्य है, जितना भगवान के बारे में बोलना जानता है बोले, उनका जस गाए, प्रचार करे। प्रचारक तो श्री नारद जी भी हैं, गायक नारद जी हैं, कथा कहने वाले श्री नारद जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, तो वे लोग तो गरुड़ जी के समान उड़ान भर रहे हैं, भगवान की बहुत कीर्ति गाते हैं। हम लोग मच्छर की तरह हैं, फिर भी अपनी उड़ान भरनी चाहिए, जितना हम उड़ सकते हैं उतना करना चाहिए, इससे संसार में सुख होगा, शांति होगी, यही उपाय है। हमारे गुरु महाराज कहते थे चांट एंड बी हैप्पी, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, हरे कृष्ण बोलिए और सुखी हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो यह भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, ये समग्र मानव जाति को सुखी करने के लिए है, इसी से सुख होगा, ये विश्वास करना चाहिए।